नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में मैं हूं कवींद्र और आज बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के एक अहम फैसले की जिसने राज्य सरकार को एक तरीके से झटका दे दिया है और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया था जिस पर संसद ने मोहर लगाई थी उसको उन्होंने असंवैधानिक करार दे दिया है और दो दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम जो प्रणाली थी अब वो वापस आ जाएगी यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो कानूनन असंवैधानिक रद्द करार देते हुए इसे रद्द कर दिया न्यायालय ने सर्वसम्मत से कोलिजियम प्रणाली की जगह लेने वाले इस कानून को लागू करने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था नयानवा उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है पीठ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उच्चतम न्यायालय के उन्नीस और अठानवे के फैसले की समीक्षा के लिए वृहद पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की के अपील भी खारिज कर दी है सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या होगा और जो सरकार और संसद की एक मंशा थी क्या होगा उस मंशा का आगे के विकल्प क्या हैं समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं चार खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त अनूप भटनागर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी स्वागत है आपका मोहम्मद अली खान साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस से आपको भी स्वागत है खान साहब गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं प्रवक्ता बीजेपी से अग्रवाल जी स्वागत है आर एस सोडी साहब हैं रिटायर्ड जज हमारे साथ हैं सोडी साहब आपका भी स्वागत है और फोनलाइन पर होंगे योगेंद्र नारायण साहब जो कि पूर्व महासचिव हैं राज्यसभा के शुरुआत में करना चाहूँगा सोडी साहब आपसे किस तरीके से आप आज के इस फ़ैसले को देखते हैं और आपकी नज़र में जो कुछ कोर्ट ने कहा है वो कितना तार्किक देखता है लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल है वो तो वो तो कोर्ट ने होल्ड कर दिया दैट ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन इसको दूसरी नज़र से भी देखना चाहिए कि ये कुलजियम सिस्टम का जब इंट्रोड्यूस हुआ इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है और कब हुआ और कैसे हो गया वॉज इट नॉट हाई जैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ बाई द जुडिशरी आगे uh, जो इसके पहले सिस्टम था वो, वो वो उसने 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 बड़े बहुत बढ़िया जज जजेस दिए क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तब थी या नहीं थी ये सब सवाल uh, उठेंगे और फिर देखना ये है कि सुप्रीमसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर दी कहीं जुडिशरी खुद ही आ, इतनी पावरफुल बनना चाहती है कि भी खुद ही अपने आप को नियुक्त करेगी और अपना सक्सेसर खुद अपॉइंट कर देगी ये तो ये तो फीफम तो नहीं होगी कैसे एक डिक्टेटर दूसरे को हैंडओवर कर रहा है अपनी अपनी वरासत तो ये सारा देखते हुए मैं, मैं लगता है कि कोलिजियम सिस्टम जो जो शुरू से ही आ, बद, बदनाम हो चुका है इसको दोबारा लागू करने का मुझे कोई खास फायदा नहीं नहीं नजर आता जी गोपाल कृष्ण साहब जैसा कि कहा सोड़ी साहब ने बहुत अहम बात है कि संसद की मैं कहूं कि ये वेल थी पूरी संसद ने एक पद से संविधान संशोधन किया उसके बाद इसको सरकार अमल में लेकर आई क्या वाकई ये संसदीय संप्रभुता के लिए एक तरीके से खतरा एक झटके के तौर पर सरकार देख रही है और सरकार अब क्या करना चाहेगी आगे नहीं देखिए एक झटके की तरह तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या जो, जो लेजिस्लेशन है ये तीनों डेमोक्रेसी के बहुत अहम मुद्दे हैं और ये तीनों जो चारों मुद्दे जो सारे हैं पिलर्स हैं ये अपने आप में बहुत सक्षम है और आपस में डिस्कशन डिबेट्स तो होंगे और कई बार इश्यूज का ओवरलैपिंग भी होता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने यह आज जो है प्रश्न खड़े होते सॉल्यूशन नहीं हुआ जो आज हुआ क्योंकि कॉलिजियम सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया था तभी तो ये रिफॉर्म्स की बात आ रही थी जुडिशल रिफॉर्म्स की और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना फिर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और उसके बाद 100 परसेंट पार्लियामेंट ने जॉइंटली यह डिसीजन लिया था तो इसलिए जरूरी था कि कॉलिजन सिस्टम में तो कमी थी नहीं तो इतनी सब बातें होती नहीं और उसको रिकोगनाइज करके ही गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था तो सु, आ, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल सिस्टम को भी देखना पड़ेगा लेकिन फिर भी अभी क्योंकि मुझे लगता है कि आगे का रास्ता इतना कॉम्प्लिकेट नहीं भी है शायद वो क्योंकि आज तीन नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर बुलाया है कि जुडिशल कोलिजन सिस्टम में क्या अमेंडमेंट चाहिए कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब वो एग्री तो कर रहे हैं कि कॉलिजन सिस्टम is not the best system. Hmm. There was problems. There was a solution which came through this bill, and they should have accepted it. या इसमें कुछ amendment या कुछ चीज़ें हो सकती थी इसमें उन्हें कुछ लगता तो बात हो सकती है mujhe मुझे लगता है कि अब ka का फिर दोबारा जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा या रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि गवर्नमेंट वी विल री थिंक और गवर्नमेंट विल री थिंक एंड देन कम आउट विद आफ्टर डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए फिर मेरे ख्याल से आगे हम आगे जरूर आप आप देखना होगा हाँ, आगे बढ़ेंगे लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इट इज इसको कन्फ्रंटेशन की तरह ना मान के अपने आप में दोनों इंडिपेंडेंट है यही इस बात से प्रूफ भी होती है नहीं, आप करें कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन आप ही के पार्टी के और जो केंद्रीय मंत्री हैं मैं देखता हूँ रविशंकर प्रसाद साहब उन्होंने कहा है कि संसदीय संप्रभुता के लिए एक तरीके से ये झटका है खान साहब क्योंकि इस पूरे मैं कहूँ कि रिफॉर्म की बुनियाद आप लोगों ने रखी थी क्या उस वक्त कुछ इस तरह का कभी अंदेशा शायद नहीं रहा होगा कहां पर आपको लगता है कि चूक हुई जिसके चलते ये केस आज इस जगह पर इस मुकाम पर इस मोड़ पर खड़ा हुआ है कविन जी जब हमने इस कानून की कल्पना की थी और बनाना शुरू किया था तो सबसे बड़ा फर्क जो हमारे अप्रोच और इनके अप्रोच में रहा है यूपी और एनडीए के ये था कि हमने बड़ी कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच बनाई सबकी सहमति बना के सबको साथ लेकर हमने पहला ड्राफ्ट तैयार किया उस टाइम आप याद करेंगे देखिए ड्राफ्ट तो पब्लिक डोमेन में था 2013 से पब्लिक दो के आखिर से पब्लिक डोमेन में है और कोर्ट ने उसके खिलाफ कभी कोई ऐसे अनफ्लैटरिंग रिमार्क्स या कोई आलोचना नहीं की इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को साथ लेके चला जा रहा था अगर आप दोनों बिल्स को कंपेयर करें आमने सामने रखें तो आप देखेंगे जो यू का बिल है और जो बिल फाइनली पारित हुआ है एन के टर्म के दौरान उनमें थोड़ा अंतर तो है और मैं कहूँगा वो महत्वपूर्ण अंतर है सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम लोगों ने बराबरी का रखा था कि जुडिशरी के तीन लोग होंगे और और सेक्टर्स से तीन लोग होंगे तो बराबरी का था किसी एक इंसान के पास ज्यादा पावर नहीं थी हुँ. मगर जो एनडीए के टर्म के दौरान बिल पारित हुआ उसमें यह था कि इनके चार थे और जुडिशरी के तीन थे हुँ. तो देखिए बैलेंस ऑफ पावर तो वहीं बदल गया दूसरा बड़ा अंतर जो हमें लगा वो ये था कि देखिए इनके पास वीटो पावर जो ये नया प्रावधान आया था उसने कह दिया था कि दो मेंबर अगर चाहे तो वीटो कर सकते किसी भी जज का अपॉइंटमेंट ये वीटो पावर यूपीए के बिल में कभी नहीं थी ना कभी इस पर कोई चर्चा हुआ ना ये पेश की गई थी दिस वॉज एडेड ये सब ऐड हुआ अभी हाल ही में ही ऐड हुआ था तो ये बिल ये कहना कि हमारा बिल है या हम लोग इस बिल के साथ जुड़े वो थोड़ा गलत होगा थो। हमारा बिल थोड़ा लगता है उद्देश्य सेम था उद्देश्य क्या है गोपाल जी मेरे साथ एग्री करेंगे कि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जजेस की जो क्वालिटी है हाई कोर्ट्स में खास तौर से वो बहुत ग्रेटली वेरी करती कुछ जजेस तो बहुत ही एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग होते हैं और कुछ जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते ये आप किसी भी आप प्रैक्टिशनर को किसी भी हाईकोर्ट में पकड़ लीजिए आपको जवाब मिल जाएगा इस वजह से एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी लाने के लिए कि सब तरीके से एक अच्छी क्वालिटी ऑफ जजमेंट मिले लोगों को इस वजह से ये इस बिल की शुरुआत में वो आइडिया लाया गया था बस अनूप जी दोनों पार्टियाँ इस बिल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती रही लेकिन मेरा सवाल जो सोरी साहब ने कहा जब कोलेजियम सिस्टम आया तब क्या वाकई संवैधानिक जो तमाम प्रावधान थे उनको पालन करते हुए जुडिशरी उस वक्त की उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा आज की डेट में अगर जुडिशियरी ये कहती है कि संसद ने अगर कोई कानून संशोधन करके उसे बनाया है उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया आखिर मायने क्या है इसके क्या इसे अर्थ निकाला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास के पास जुडिशल रिव्यू की पावर है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मगर यहाँ पर जो इशू है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है 93 में मैं मैं जो सेकंड जजमेंट आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ने जजेस की अपॉइंटमेंट पावर अपने हाथ में ले ली थी उसके बाद जुलाई 98 में मैं तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण जी ने ने जो है कुछ क्वेश्चन बना करके सुप्रीम कोर्ट के पास कंसिड्रेशन की राय मांगी थी इसी के को आगे बढ़ाते हुए उस पर जस्टिस एस पी भरूचा की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने ने जो है काफ़ी लंबा चौड़ा अपनी राय दी थी उसमें यह कहा था कि जो चीफ जस्टिस के से कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसमें जो ऑफ माना जाएगा ओके अकेले उनकी ओपिनियन नहीं नहीं, देखती। नहीं।, नहीं, देखती। नहीं और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले अपनी ओपिनियन भेजते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर दूसरी बात ये कही थी उस राय में वो अक्टूबर नाइन्टी एट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फटाफट कर दिया था कि जितने भी जजेस से आप राय ले रहे हैं सबकी ओपिनियन राइटिंग में गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी अब मुझको लग रहा है कि इधर हाल फिलहाल के सालों में ऐसा नहीं हुआ है अगर आप देखिए कि प्रशांत भूषण जी करीब दस साल से इस चीज़ को लेकर के चल रहे थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है नहीं। जैसे क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कौन से नाम सामने आ रहे हैं सडनली पता लगता है जस्टिस मार्कंडे कार्जू ने ओपनली कहा कि भाई फतेजा का बोल है आप हमारे परिवार के लोगों के लिए आइए हम आपके परिवार के लोगों को बढ़ाएंगे जी यही नहीं हयरिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा कुछ केसेस साइट किए हैं जिसमें मैं जब फार्मेसी रिजर्व इंडिया की कि बहन का भी अपॉइंटमेंट शामिल था कि किस तरह से जो है यहाँ पे हो रहा। किया गया। हाँ जो अच्छे लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं कुछ कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेट हैं जिनका एलिवेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक जो कॉलेज सिस्टम है वहाँ एक किस तरह की फंक्शनिंग किसी को नहीं पता है सीक्रेसी पूरी है तो अगर आप इसको ऑनलाइन कर देते क्योंकि दस साल से डिमांड चल रही है कि जो भी प्रोसेस है उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए हम ये कर रहे हैं लोगों से आप बिल्कुल नहीं ये, है और अगर इस सिस्टम में खामी नहीं थी सवाल ये संविधान पीठ जो है फोन लाइन पर योगेंद्र नारायण साहब हमारे साथ हैं जो कि संवैधानिक जानकार है और से है जी स्वागत है आपका जो फैसला इस वक्त आया है सुप्रीम कोर्ट का जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर जो संसद ने कानून बनाया था उसे क्वेश कर दिया है और निन्यानवे संशोधन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गैर संवैधानिक करते हुए अब सवाल ये उठता है।, है मैं समझना ये चाह रहा हूँ आपसे कि सरकार के पास या संसद के पास ऐसे मसलों में पुरानी परंपराएं क्या रही हैं और इस मसले में क्या विकल्प उनके सामने बचते हैं देखिए पहले भी संविधान में बहुत से संशोधन किए गए थे और रद्द किए गए सुप्रीम कोर्ट से फिर एक शेड्यूल नाइन उन्होंने बनाया था सरकार ने उस समय और उसमें जो भी कानून जाता था शेड्यूल नाइन में वो कोर्ट के नजरे के बाहर रहता था और इसी तरह बहुत से जो लैंड एक्विजिशन के लॉज थे नए नए जब इन, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी और नाइनटीन फिफ्टी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद तो बहुत से ऐसे लैंड एक्विजिशन लॉज बने थे जिनको अवैध डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने परंतु गवर्नमेंट फिर लाई और शेड्यूल नाइन में उनको डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो तो एक तरीका है डालने का परंतु हमें दो चीजें देखनी है इस समय एक तो व्यवहारिक क्या है इस समय संविधान के अनुसार तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा उसका पालन करना पड़ेगा जी। और उसके बाद आप फिर से कानून ला सकते हैं फिर, फिर से कुछ ये बिंदु आ, आपको देखने पड़ेंगे जजमेंट में कि किन बिंदुओं को लेकर उन्होंने इसको अवैध घोषित किया है उन बिंदुओं को अगर आप अपने मद्देनजर रखते हुए उनको आप किसी तरह उनका एक कोई सलूशन निकालते हुए एक नया कानून लाते हैं तो वो फिर से ला सकते हैं पर इस बीच में जो मैं बहुत चिंतित हूँ वो ये है कि हमारे हाई कोर्ट्स में इतनी वेकेंसीज पड़ी हुई हैं अभी क्योंकि तो जो झगड़ा चल रहा है एनजेएसी का और सुप्रीम कोर्ट की, की वो वैध है कि नहीं एन इसको लेकर ये गतिरोध खत्म होना चाहिए और मेरी राय में इस समय तो तुरंत सरकार को जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जो भर सके वो भर लें और उसके बाद फिर से ही साथ वो जो तो संशोधन लाना चाहते हैं फिर से, फिर से, से विचार करके उन बिंदुओं को नजर, नजर रखते हुए जो कि बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिसके आधार पर अवैध घोषित किया है उनको मद्देनजर रखते हुए नया कानून बनाने पर विचार करें और करते रहे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत आवश्यक बहुत है ये सभी मैं हूं कि सुप्रीम और, कोर्ट हाँ आप देखिए यूएसए में तो जितने भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट होते हैं उनका कंफर्मेशन होता है सेनेट के सामने यूएस सेनेट के सामने पब्लिक हियरिंग होती है तो ये पता नहीं हमारे क्यों डर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का हाथ हो जाएगा उसमें कहीं भी जहाँ डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट का तो हाथ होना ही चाहिए और इसमें भी जो एनजेएसी उसमें तो चेयरमैन तो वही बन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज तो इसमें कोई डरना नहीं चाहिए था परंतु अब देखना है कि नया कानून आ, कैसे लाए और जो पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं जिसके आधार पर अवैध घोषित किया है उनको जरूर किस तरीके से करने की कोशिश करती है गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल जी जिस तरीके से जी कह रहे हैं अलग अलग प्रावधान भी हैं लेकिन क्या इस पूरे फैसले को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कुछ लोग देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल साइट्स से वहाँ पर इस तरह के बातें चल रही कि किसका हाथ हो किसके पकड़ में हो न्यायपालिका इस क्या इसको इस संदर्भ में देखा जा रहा है राजनेताओं के या फिर न्यायपालिका के जो जज हैं वरिष्ठ जज हैं उनके नहीं देखिए इस संदर्भ में देखना नहीं चाहिए और मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा डिबेट्स होंगे तो ये प्रॉब्लम और ये जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कॉलेजियम सिस्टम में और दूसरा बात हमें सब देश को भी मालूम है सब जानते हैं जुडिशल सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो वह दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ही सरकार ने यह सब लाया था कंसेंसस बिल्ड की थी चाहे यूपीए के साथ की थी या उसके बाद 20 प्रदेशों में भी इसको वेट कर दिया गया है तो इतनी बड़ी कंसेंसस होने के बाद यह आया था और एक आप देखिए अभी योगेंद्र नारायण जी ने भी बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि अगर सरकार को इसको ट्रांसपेरेंट ना ला के उसकी इंटेंशन हमारी सरकार की गलत होती तो शेड्यूल नाइन में ला ले आते और फिर तो उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते तो उसके बाद भी इस चीज़ को एक ऐसा डेमोक्रेटिक वे से लाए और जिसको कंसेंसस था तो उसको आ, सुप्रीम कोर्ट ने हमें लगता है कि उसको मान करना चाहिए उस जो मेचोरिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है उसी तरह से आगे मुझे लगता है कि डिस्कशन में बढ़ेगी सोरी साहब वाकई जिस तरीके की बात हो रही है जो मैं सवाल कर रहा था गोपाल साहब से कि क्या कहीं किसके अंडर हो किसकी पकड़ हो कहीं ये लड़ाई कुछ उस तरह की भी दिखती है जो कि सोशल साइट्स में उस वक्त शुरू हो चुकी है या फिर जैसे कि कह रहे हैं योगेंदी की अलग अलग विकल्प भी हैं और उन विकल्पों के जरिए जिन प्रावधानों पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की हो या फिर जहाँ पर उसे लगता हो उनको रेक्टिफाई करते हुए दोबारा से इसे वापस लाया जा सकता है देखिए अगर तो कोर्ट ये कहती कि भी इसमें इस कौन सी प्रोविजन गलत है हुँ. या इसको अमेंड किया जाए अगर तो ये कहती तब तो ठीक था मुझे तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटायर बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है राइट right. तो अगर ये ये पूरे का पूरा बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है तो इस, इस परिकन्सिडर पर तो द होल थिंग ऑल ओवर अगेन तो लिहाजा जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कहा है सु, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन मैं मैं अब भी वा, वापस उसी मसले पर आता हूँ कि भी सुप्रीम कोर्ट ने कई का, का जो कुलजियम सिस्टम है वो कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल था या कॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट की पावर कहाँ है लॉ बनाने की उनके पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है नहीं। लेकिन नंदलेस लॉ बन गया और लॉ इम्प्लीमेंट भी हो गया बीसों साल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सेशन कर दिया है कि भाई इनकमिंग व्हीकल्स विल बी टैक्स्ड अब वो वो पावर कहाँ है लेकिन हो गया अब देखिए आगे क्या होता है ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो जो आपकी पावर है खुद रखिए जो किसी और की पावर है वो वो उसकी सुप्रीमसी उसको रहने दीजिए ये पार्लियामेंट की सुप्रीमसी है टू इन लॉज आपका जुडिशियल रिव्यू ज़रूर है hmm. लेकिन जुडिशल रिव्यू डज नॉट मीन कि आप, आप आप आप, खुद अपने हक में ही रिव्यू कर लीजिए और, और डिक्टेट डिकटेटर शिप जैसे माहौल पैदा कर दीजिए इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट प्रॉपर जी सॉरी सॉरी साहब मैं आपकी बात पर एक जवाब चाहूँगा योगेंद जी अगर आप सुन रहे हैं जो छोड़ी साहब ने कहा कि वाकई ये तथ्य जो उन्होंने रखा जो बात कह रहे हैं इसमें दम लगता है हाँ पर देखिए ये तो मैं मानता हूँ कि प्रजातंत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम है पर हमारे संविधान में भी अधिकार दे दिया गया है को को रिव्यू एवरी एवरी एक्ट एंड लॉ अब उस अधिकार को लेते हुए आ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिया है hmm. अब आ, अब हमें पुनः विचार करना चाहिए और मेरी राय में जरा डिटेल जजमेंट देख लिया जाए क्योंकि ये स्पीकिंग ऑर्डर है right. किसी आधार पर इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है hmm. उस आधार को किस तरह हमारे अटोर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल साहब प्रेजेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक रिव्यू पिटिशन में कि साहब ये जो आपने आधार बताया है इस इस पर पुनः विचार करें इस बिंदुओं को लेकर और जबकि आप जैसे ठीक कहा गया 20 स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया और पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया तो कुछ सुप्रीम कोर्ट को जनता की आवाज पर ध्यान देना चाहिए उन पर बल है एक, एक जो डेमोक्रेटिक वॉइस है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कोई President, जैसे मैंने कहा अमेरिका में भी एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का कंफर्मेशन होता है बाय द सेनेट और क्योंकि अटोर्नी जनरल ने इस पूरे मसले पर कहा भी है कि ये लोगों की राय थी जो हमने रखी हाँ. थी संसद की एक विल थी और संसद की राय लोगों की राय के बाद संसद उसमें एकमत था उसके बाद हमने उसे पारित करा की मंशा साफ तौर साफ थी अब ऐसे में खान साहब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का यह फैसला आया है तो फिर क्या होगा जुडिशियल रिफॉर्म्स का जिसको लेकर आपकी भी सरकार और मैं कहूँ कि जो वर्तमान सरकार है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और शायद जरूरत भी इस वक्त देश को है अगर आप याद करें 2011 में यूपीए सरकार में मुझे लगता है सलमान खुर्शीद साहब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाए थे उससे अपॉइंटमेंट्स आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया पकड़ वो बिल पकड़ पे फोकस नहीं करते थे किसकी पकड़ हो जुडिशरी पे अपॉइंटमेंट्स की वो बिल इस बात पे फोकस करता था उसका जो नजरिया था वो ये था कि भाई जो जजेस हैं उन पर उनकी जो सर्विसेज हैं उन्हें कैसे इंप्रूव किया जाए उसमें बेहतरी कैसे लाई जाए पारदर्शिता कैसे लाई जाए और वो बिल पता नहीं उसका क्या हुआ हम लोगों ने कोशिश की पार्लियामेंट में भी लाया फिर वो लैप्स हो गया दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया है और हमें लगता है वो एक अहम पिलर है इस जुडिशल रिफॉर्म्स के आने जाने का आगे जाने का तो इस वजह से देखिए सिर्फ जुडिशरी को कंट्रोल करना ही अकेला तरीका नहीं है जिससे आप जो है जुडिशरी इंप्रूव कर सकते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को देखिए उसके प्रावधानों को देखिए और उससे उस पर थोड़ा गौर कीजिए उस पर थोड़ा बहस कीजिए उसे लाइए पार्लियामेंट में दोबारा और उस पर चर्चा करवाइए लेकिन अनूप जी सरकार और संसद जब किसी एक एक मत के साथ में कहूँ से आया और जो सोडी साहब करें वो भी बहुत अहम है मुझे सवाल वो खड़े कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम कैसे आया उसकी वैधानिकता क्या थी अगर उसमें खामियां नहीं थी तो फिर आप उस पर सुनवाई क्यों कर रहे हैं और अगर खामियां थी और संसद और देश की राय उसको बदलने को लेकर है तो फिर आप उसको वापस उस उस राय को आप दरकिनार कैसे कर सकते दरकिनार कैसे कर रहे हैं यही यही मेरा सवाल है कि भाई नाइन्टी से कोलिजम सिस्टम चल रहा है और नाइन्टी अच्छा। से नाइन्टी से इसको लेकर के आवाजें उठने लगी कि इसमें जो है हुँ. भाई भतीजावाद हो रहा है पक्षपात हो रहा है ठीक है करप्शन के एलिगेशन लगने लगे सीरियस एलिगेशन देने लगे अगर आप जस्टिस सौमित्र सेन का जो इम्पीचमेंट हुआ था राज्यसभा में उसके आप वो वो पढ़े उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया था उसके बाद भी खैर उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया कुछ नहीं वो किस तरह से वहाँ पे ये एलिगेशन था कि मैनुप्लेशन होता है आगे निकलने के लिए हो रहा है और जहाँ तक खान साहब ने कहा कि अकाउंट के, के, के जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का बिल तैयार किया था यूपीए गवर्नमेंट ने दो बिल तैयार किए थे एक के जो है जुडिशल कमीशन और दूसरा अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी वाले बिल का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ से हुआ वो जुडिशरी से हुआ क्योंकि जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होती हैं उसमें मैं, मैं कई बार कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता जो हम लोग रिपोर्ट करते थे उस पर कुछ जुडिशरी को लगा था कि शायद ये गाय का ऑर्डर आ रहा है इसलिए जुडिशरी से और वहीं से सबसे ज़्यादा विरोध शुरू हुआ था वो बिल ड्रॉप हो गया या कहाँ हुआ पता नहीं चला अभी आप देखिए कि कि हाई कोर्ट में तीन सौ अट्ठानबे वैकेंसीज़ हैं एज ऑन डेट एक हज़ार सत्रह टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आलमोस्ट चार सौ वैकेंसीज हैं और दो करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं किसी भी केस की के जो क्रिमिनल <coughs> मैटर्स हैं उनकी सुनवाई आप जो है उम्मीद नहीं कर सकते कि पाँच से दस साल पहले हो जाए टेकअप हो जाए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि जो जो भी अपॉइंटमेंट होने हैं जो वैकेंसी होने वाली है उससे छह महीने पहले प्रोसीजर प्रोसेस शुरू होना चाहिए मगर सैड पार्ट यह है कि, तो कि जज रिटायर भी हो जाते हैं मगर वो प्रोसेस जो है चलता ही नहीं शुरू ही नहीं होता है ये ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता और एक जो जानकारी है अनुप जी मेरे इस वक्त मैं वो शेयर करना चाहूंगा आपको सबके साथ में जो पांच जज थे जो अभी तक ये सामने आ रहा था कि शायद

उन फैसलों के साथ उस फैसलों के हक के साथ में करें उनके पक्ष में अपने फैसले लेते हुए क्या आप जुडिशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा पाएंगे बिल्कुल देखिए जुडिशल रिफॉर्म्स करना यह कंसेंसस गवर्नमेंट में है दूसरी बात जो आपने एक प्रश्न किया था कि ये बेसिकली था कि कौन कंट्रोल करे ऐसा बात नहीं है भाजपा या हमारी जो सरकार वर्तमान की जो वह कंट्रोल की बात तो करती जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ले आए और एक वाइडर पार्टिसिपेशन हो जो खुद ही सेल्फ अपॉइंटमेंट तरीका जो चल रहा था कोलेजियम में उसको रोकने के लिए यह बात थी तो क्या तो, ये सिर्फ विकल्प बचता है कि जो वर्तमान सिस्टम उसको आप थोड़ा सा अपग्रेड कर दें नए सिस्टम की अप, नहीं, आ, कोई मैं कहूँ कि स्पेस नहीं बचता ऐसी बात, बात नहीं अभी गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेगी क्योंकि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात तो है ही आखिर लेजिस्लेशन यह तो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत क्लियर है कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ऑन लेजिस्लेशन तो रिव्यू वो कर सकते हैं लेकिन लेजिस्लेशन तो दोबारा भी आ सकते हैं तो लेजिस्लेशन में जो उनके ऑब्जेक्शन होंगे उनको देख के देखा जा सकता है तो मुझे लगता है कि इस सारे चीज़ों को एक वाइडर वा, जब डिस्कशंस में होंगे तो इस तरफ बढ़ेंगे लेकिन अल्टीमेटली कंसेंसस है गवर्नमेंट में कि जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ अपॉइंटमेंट की भी कंसेंसस है सब में तो आप उसको कैसे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई इसमें कमी होगी तो उसको रिव्यू कर लिया तो ये सभी मानते जो आप बात कर रहे हैं ये कांग्रेस सरकार ही मानती थी तमाम तो सरकारें मानती रही देश का मैं कहूँ कि हर दूसरा शख्स जो शायद कभी वकील या कोर्ट के चक्कर लगाता है उसकी भी राय ये है छोटी साहब एक आखिरी सवाल आपसे जिसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कार्यक्रम जिस तरीके का आज का आदेश है उसके बाद आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसा स्पेस बचा है जहां पर एक नए सिस्टम को खड़ा किया जा सके सरकार की ओर से या फिर कोर्ट यह चाहता है कि इसी सिस्टम को अपग्रेड करके या फिर मैं कि थोड़ा सा बदलाव करके इसको रेक्टिफाई करके इसको ही आगे बढ़ाने की मंशा दिखती है मुझे तो यही लगता है जी कि कोर्ट चाहती है कि कुलजियम सिस्टम को में ही बदलाव लाया जाए और ऐसा बदलाव लाया जाए जो इसकी इस ये रेक्टिफाई हो जाए लेकिन अब आप एक और भी देखिए ये कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर पर ये दाग लगता है इस पर, लेकिन देखिए जब जज अपॉइंट हो जाता है उसके बाद उसको उसको उतारने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए चाहिए आपको पार्लियामेंट के अंदर लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है तो उसको वो जहाँ मर्जी इसको पोस्ट करती रहती है और फिर लाइन लग जाती है सुप्रीम हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखते हुए कि भाई ये हमें हमें क्या आदेश देंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ रह गई तो दिस इज बिकम मेरे मेरे हिसाब से तो ये इनक्रोचमेंट खुद ही सुप्रीम कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंस पर कर रही है एंड रिड्यूसिंग हाई कोर्ट्स जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उनको रिड्यूस कर दिया इनटू अ अथॉरिटी और खुद पावर्स ले ली सारी ये दिस इज नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट वर्क इन इट्स इन स्पिरिट एंड लेटर चलिए चले साहब बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए और आप सब सबने सुनी अलग अलग पार्टियों की और एक्सपर्ट्स की राय क्या है अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार किन विकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी और कैसे आगे बढ़ेगी फिलहाल देश देशांतर में आज इतना ही नमस्कार